छोटा स्कूल जड़ौदा डेयरी प्लांट, जड़ौदा डेयरी और डिग्री 84 का। ठीक है सर, आपने कब ब्रांच स्टार्ट करी थी? मैम ये इसकी फ्रेंचाइजी मैंने देखी जून 2020 में। 2020 में? हाँ जी। ठीक है, और सर टीचर्स कितने हैं आपके पास? अभी मैम 3 टीचर्स हैं और एक मेरी वाइफ होगी, सारा देखती हूँ बाकी काउंसलिंग ले करता हूँ। और स्टूडेंट्स कितने हैं अभी? अभी 30 और अभी 5 एडमिशन और होने हैं जो फॉर्म लिख लिए। ठीक है, और सर ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं आप? हाँ मैम ट्रेनिंग कभी कभी अटेंड करता हूँ, बाकी टीचर्स को डेली लीव है सर, टीचर्स अटेंड करते हैं। टीचर्स डेली अटेंड कर रही हैं? हाँ जी। ठीक है सर, जब आपने स्कूल स्टार्ट किया था तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी? स्कूल में प्रॉब्लम तो मैंने ये फेस की थी कि जो मेरा ये पढ़ता है वो डेली का पढ़ता है, मतलब काफ़ी होती है तो लोग ये बोला करते थे भाई डेली में कहाँ स्कूल चलेगा या तो एक बच्चा नहीं आएगा, लेकिन आज स्थिति है जो 30 बच्चे हैं मतलब 5 बच्चे डेरी के बाकी सारे बाहर के आ रहे, तो ये मतलब फेस प्रॉब्लम, मतलब लोग आपको ये बोला करते डीमोटिवेट किया करते थे कि भाई आप कैसे रन करोगे, डेरी में है इतना अंदर है लास्ट में बिल्कुल कैसे होगा, कैसे चलेगा स्कूल, या तो कोई नहीं आएगा या तो पैसे ये है, लेकिन आज स्थिति कुछ और मतलब खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है जो कॉन्फिडेंस। सर आप कुछ आपका कोई एडमिशन टारगेट था कि मुझे इतना करना है इस मंथ में या? हाँ जी मैम, मेरा टारगेट था कि हमें जुलाई में 30 स्टूडेंट कर दिए और अगस्त तक हमें 50 स्टूडेंट का हमने टारगेट दे रखा है कि अगस्त में 50 स्टूडेंट कर देंगे। ठीक है, मगर जो आपका जुलाई वाला टारगेट था वो आप कम्प्लीट कर चुके हैं ना? ठीक है। और सर और कुछ आप इसके बारे में बताना चाहेंगे, कुछ एडमिशन्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम आई थी? एडमिशन्स को लेकर प्रॉब्लम थोड़ा फीस का इशू आता है, पेरेंट्स आते हैं स्कूल अच्छा लगता है क्योंकि हमारे एरिया में इतना बड़ा प्ले स्कूल है और स्पेस भी काफ़ी है, खेलने के पूरे ग्राउंड है, एक्टिविटी का हॉल अलग है, सब चीज़ है, लेकिन जहाँ पे काफ़ी फीस की बात है वहाँ पेरेंट्स थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि हम उन्हें क्वालिटी बताते हैं कि एमसीएस है क्या, बट उन्हें इतना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, फीस हम बताते हैं वो कहते हैं हम इतना फी नहीं बताते हैं, इस तरह के थोड़े इशू आते हैं। बाकी बुक का जो कंटेंट काफ़ी अच्छा है, पेरेंट्स को पसंद आता है, हमारा जो सिस्टम है एमसीएस का वो काफ़ी अच्छा है, पसंद आता है, काफ़ी अच्छा है, आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। ठीक है सर, कुछ थोड़े से वर्डिंग्स आप माय छोटा स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे? मैडम बिल्कुल, बहुत अच्छा सेटअप नहीं मिला है एमसीएस का, उम्मीद रही थी कि मतलब सोचा भी नहीं था कभी कि हम स्कूल चलाएंगे या स्कूल के बारे में कभी कुछ माइंड में नहीं आया, बट अचानक डॉक्टर वी बिरला जी की मैंने पोस्ट देखी तो उन्होंने एमसीएस के बारे में बताया हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मैंने बात करी हेड ऑफिस में सर से, बात की सारा कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गया, फ्रेंचाइजी इसकी जो भी लॉकडाउन इस टाइम सब कुछ बंद था उस टाइम हमारे एमसीएस की फ्रेंचाइजी, तो कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, प्लस आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ हम लोग काम करते हैं जो अब तक कहीं पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई वो हम एमसीएस के साथ इम्प्लीमेंट करें। ठीक है सर।